ये हाथ मुझे दे दे भैया। नहीं। और भैया मजे में चल बोल के। जली ना तुम लोगों की। अबे कैसे नहीं जलेगी बे, रक्षाबंधन आ रहा है, अर्थात नाबालिग लौंडों के गुल्लक फूटने का दिन आ रहा है बे। अब देखो कुछ चमकीले भाइयों को रक्षाबंधन का त्योहार बहुत दिनों तक याद रहता है। Nope. वो इस गम से उभर ही नहीं पाते हैं कि जो दौलत उन्होंने साल भर मेहनत कर अपनी सेटिंग के लिए जमा की थी, वो सारी दौलत उनकी प्यारी बहना एक झटके में लूटकर हवा हो गई। ट्रोल मजनू कंट्रोल। लेकिन इस बार का रक्षाबंधन 2020 तुम सबों को याद रहेगा बे, क्योंकि बहने इस बार राखी नहीं मास्क पहनाएंगी बे, और तुम्हारे मुंह में लड्डू नहीं बल्कि काढ़ा दिया जाएगा। पर लौंडो तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है, तुम्हें इस बार पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश दे के काम चला सकते हो। इतनी खुशी मुझे। खैर छोड़ो, ये तो हो गई बिलो 18 बातें जो मैं बहुत कम किया करता हूँ, असली मजा तो अब आएगा। पता नहीं ऐसा क्यों, पर मुझे लगता है कि नवाजुद्दीन भाई ने सही कहा था, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है। कोई सेंस है इस बात की? अबे तुम ही देख लो ना, हर वो दिन जिस दिन हम मजे मार सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, जैसे हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे, हर दिन संडे अपना सूर्य ग्रहण लगा देता है और हमारी स्कूल हो जाती है बंद। लेकिन ये पवित्र त्योहार जैसे रक्षाबंधन, भैया दूज, संडे आने का नाम ही नहीं लेता है बे, स्कूल खुला रहता है, हमें ना चाहकर भी स्कूल जाना पड़ता है। देखो तुम्हारे भाई को स्कूल जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी सहपाठियां हमारे कलाई पे राखी बांधती हैं तो बांधती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुस्सा तो तब आता है जब स्कूल की वो एकमात्र मिस जो शादी के बंधन से भी बहुत दूर है, वो भी ना जाने क्यों रक्षाबंधन वाले दिन हमें भैया बोलकर संबोधित करती है। साले कुत्तों की जिंदगी। अब देखो सच होता है कड़वा, लेकिन क्या करे, ना जाने क्यों आजकल की लड़कियां ये सोचती हैं कि सामने वाले को भैया बोल देने से वो उनको गंदी नजरों से नहीं देखेगा। एक लॉजिक है, ठीक ना, ध्यान से सुनना। एक लौंडा साल के 365 दिन तुम्हें अपनी बंदी बुलाता है, लेकिन फिर भी तुम उसकी बंदी नहीं बनती हो, तो भला एक दिन भैया बोल देने से वो तुम्हारा भैया क्यों बनेगा? ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। A few moments later. आजकल ये भी देखने को मिलता है कि लड़कों को जबरदस्ती राखी बंधवाई जाती है। अगर जबरदस्ती राखी बंधवा देने से एक लड़का एक लड़की का भाई बन सकता है, तो वैलेंटाइन डे के दिन जबरदस्ती लड़कियों को टॉफी ठुसवाने से लड़की लड़के का पार्टनर क्यों नहीं बन सकती? I don't know. खैर ये सीरियस बातें हो गई, हम मजाक पे आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हद तो तब पार होती है जब क्लास का वो लौंडा जिसे पूरी क्लास चूतिया समझ रही होती है और जिसके सर से लेके पैर तक स्मार्टनेस का एक कतरा भी नहीं होता, रक्षाबंधन वाले दिन एक लड़की उसे राखी पहनाने से मना कर देती है। What the fuck? मतलब चक्कर बाबू भैया चक्कर। अब धार्मिक चीजों पे एक नजर मार लिया जाए क्या? अगर धर्म गुरुओं की माने तो रक्षाबंधन वाले दिन हर भाई अपने मन में ये प्रण लेता है कि वो अपनी बहन पे आने वाली हर मुसीबतों से उसकी रक्षा करेगा। और अगर डीप में जाएं तो ये मुसीबत और कोई नहीं बल्कि दूसरी बहन का एक भाई होता है। Nope. अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो हर भाई ये प्रण लेता है कि वो अपनी बहन की रक्षा दूसरे बहनों की भाई से करेगा। सुनने में अजीब लगता है। तो बजाय झूठे संकल्प लेने के, व्हाट्सएप पे झूठे मैसेजेस फॉरवर्ड करने के और रेप होने के बाद कैंडल मार्च निकालने से अच्छा ये है कि इस पावन अवसर पे हम ये सभी संकल्प लें कि हम हर लड़की की इज्जत करेंगे। और लड़कियों तुम्हारे लिए, तुम भी भाइयों से पैसे लेने के बजाय उनसे ये प्रॉमिस लो कि वो हर लड़की की उसी तरह इज्जत करेगा जैसे कि वो तुम्हारी करता है। कुछ ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया ना आज, क्या करें। अब देखो आज मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए भीख नहीं मांगूंगा, तो कर देना। चलते हैं फिर, स्टे होम स्टे सेफ।
बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन। कड़क बन मत बन तू ठोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोपला।